हेलो एंड वेलकम टू व्हाट कार इंडिया। मैं इस वक्त बात कर रही हूँ सन मोबिलिटी के सीईओ मिस्टर अनंत बरजातिया से। सन मोबिलिटी एक तरह से पायनियर्स मानी जा सकती है स्वैपेबल बैटरी इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंडिया में ईवीज के लिए बनाया जा रहा है। सन मोबिलिटी उस पर काफ़ी आगे तक काम कर चुकी है और इसी पर और बातचीत करेंगे मिस्टर अनंत बरजातिया से। थैंक यू सो मच हमारे लिए समय निकालने के लिए। ओके अनंत, तो पहले तो सवाल मेरा आपसे ये है कि जो जिन लोगों ने ईवीज नहीं यूज़ किए हैं उनके मन में ये सवाल आता है कि ये स्वैपेबल बैटरीज कैसे कितनी प्रैक्टिकल हैं, कितनी फंक्शनल हैं। सो बहुत ही जायज़ सवाल है। स्वैपेबल बैटरी बहुत फंक्शनल है। हम अब तक जस्ट टू गिव अ पर्सपेक्टिव 5.5 करोड़ किलोमीटर कर चुके हैं 18 सिटीज़ के अंदर, और इसमें दो व्हीलर चल रहे हैं, टू व्हीलर चल रहे हैं, थ्री व्हीलर चल रहे हैं, ई रिक्शाज भी चल रहे हैं, लोडर्स भी चल रहे हैं, तो सब तरह के लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। सो इट्स अ प्रोवन कंसेप्ट। इट्स अ कंसेप्ट, आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं जैसे घर में गैस चूल्हा होता है, आपने चूल्हे जो गैस आप यूज़ करते हैं फिर दूसरा सिलेंडर आता है और बट यू डोंट ओन दैट चूल्हा दैट गैस। सेम वे आप बैटरी स्वैपिंग में आप ये समझें कि आपने व्हीकल खरीदा है विदाउट अ बैटरी, आप बैटरी नहीं खरीद रहे, यू आर बाइंग अ व्हीकल विदाउट अ बैटरी, एंड देन वंस आपका जब ये बैटरी खत्म होने लगता है तो आप एक स्टेशन में जाते हैं, आपको एक इंडिकेशन आने लगता है इस आपके व्हीकल के ऊपर कि बैटरी का चार्ज खत्म हो रहा है। आप स्टेशन पे जाते हैं, आप अपना बैटरी पुराना वाला डिस्पेंस उसमें डालते हैं, नया बैटरी डिस्पेंस करके आप निकल जाते हैं। सो इट्स एज सिंपल एज दैट। वेरी वी आर ट्राइंग टू रिक्रिएट द सेम एक्सपीरियंस एज वी हैव विद द करंट फ्यूल कंपनीज, राइट? दैट व्हेन यू आर रनिंग आउट ऑफ फ्यूल यू आर गोइंग फॉर रिफ्यूलिंग एंड गोइंग अहेड विद इन लेस देन 5 मिनट्स यू आर आउट ऑफ द स्टेशन। तो 5 मिनट में आप फुल्ली चार्ज बैटरी निकल कर लेकर जाते हैं। 5 मिनट तो बहुत ज़्यादा है। एक टू व्हीलर के लिए 40 सेकंड के अंदर बैटरी आप निकाल के ले जा सकते हैं, थ्री व्हीलर 2 मिनट के अंदर निकल जाता है क्योंकि बैटरी चार्ज अपने आप होता रहता है, आपको चार्ज नहीं करना पड़ता। आप जब स्टेशन जाते हैं आपको एक चार्ज बैटरी ऑटोमेटिकली डिस्पेंस हो जाता है, सो चार्जिंग वो पीछे करता रहता है हमेशा हमेशा। ओके, तो इसके लिए क्या क्या ज़रूरत होती है, क्या अगर सपोज किसी ने टू व्हीलर खरीदा है, एक इलेक्ट्रिक टू व्हीलर, तो क्या उसको सन मोबिलिटी के पास चार्जर मिल जाएगा चाहे वो किसी भी कंपनी का हो? नहीं, ऐसा नहीं होता। सो आज हमने सारे काफ़ी सारे OEMs के साथ इंटीग्रेट किया है, पियाजो के साथ इंटीग्रेट किया है, तो जैसे ऐसा समझे कि पियाजो के साथ हमने बहुत काम किया, तो उन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया जो सन मोबिलिटी के साथ मिलके बनाया, जो सन मोबिलिटी स्वॉप यूज़ करता है। तो आज अगर आप पियाजो के शोरूम में जाएंगे तो आप देखेंगे कि एक उनका फिक्स प्रोडक्ट है, उनका एक डीजल वेरियंट है, उनका CNG वेरियंट है, साथ में एक पियाजो का सन मोबिलिटी स्वॉप भी है। तो अगर आप जैसे दिल्ली में हैं, आप वहाँ पे उनके शोरूम में गए, आपने देखा, आप सन मोबिलिटी का नाम जानते हैं, आपने देखा इनके 400-500 स्टेशन है, आप गए, आप बोलेंगे हमें स्वॉप का वेरिएंट चाहिए। सो जब आप स्वॉप का वेरिएंट खरीदेंगे उनसे, सो देन दे विल आप वहाँ से स्वॉप का वेरिएंट खरीद के निकलेंगे, आपके साथ 3 बैटरी देंगे वो, और जब वो 3 बैटरी जब आपका यूज़ हो जाएगा तो आप स्टेशन में जाके वापस कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, बट आप उन 3 बैटरी का पैसा नहीं दे रहे हैं। आप एक ऑटो जो खरीद रहे हैं विदाउट बैटरी खरीद रहे हैं तो आपकी कॉस्ट 40-45% कम है एक उस ऑटो से जो कि फिक्स बैटरी है। बट तो आपके लिए क्या आपके सन मोबिलिटी की सर्विसेज को सब्सक्राइब करना पड़ता है? हाँ जी, सो सन मोबिलिटी की सर्विसेज, सो जब आप शॉप व्हीकल खरीदते हैं आप यू आर सब्सक्राइबिंग टू सन मोबिलिटी सर्विसेज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे आपने कभी मोबाइल खरीदा उसके साथ अगर एयरटेल का सिम खरीदा तो आप जो सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं उसी तरह से आप उसका। तो यहाँ पर मेरा सवाल आपसे ये है कि आपका कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है अभी, कौन से एरियाज में फिलहाल हैं आप अभी, और साथ ही क्या टारगेट है, सो दैट हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको पता चले कि भाई अगर ये सर्विस देंगे तो कहाँ होना चाहिए। बहुत सही है। आज हमारा 240 स्टेशन है 18 सिटीज़ के अंदर इंडिया के अंदर, सो सबसे डेंस नेटवर्क है बैटरी स्वैपिंग के हिसाब से पूरी कंट्री में। 240 स्टेशन का मतलब मोर देन 3,500 स्टेशन और चार्जर ऑलरेडी लगे हुए हैं। दिल्ली के अंदर, दिल्ली NCR के अंदर 176 स्टेशन लगे हुए हैं। सो अगर आप देखें तो हर 2 किलोमीटर पे एक स्टेशन है। तो काफ़ी डेंस नेटवर्क है, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको अपना बैटरी मिलने में। बाय एंड ऑफ दिस ईयर हमारे 550 स्टेशन आ जाएंगे पूरे इंडिया में, दिल्ली में 350 स्टेशन के आसपास, पूरे दिल्ली NCR में 350 स्टेशन होंगे। सो दैट वुड मीन कि आपको हर जगह पे विद इन 2 किलोमीटर एक स्टेशन दिखेगा, जो कोई दिक्कत नहीं है, बैटरी आपको आसानी से मिलेगी। जब आप एंड ऑफ ईयर बोल रहे हैं तो मार्च 31 2023 आप इस पर, और आपको लगता है इतने सारे लोग आपके साथ जुड़ पाएंगे? सो अभी हम ट्रैक पे हैं, जिस तरह के हमने जो प्रोजेक्शंस दिए थे हम उनके उसके हिसाब से ही जा रहे हैं। बाय
इस साल के अंत तक हमारे पास 20,000 व्हीकल हो जाएंगे, अगले साल हम 1-2 लाख व्हीकल तक पहुंचेंगे, उसके अगले साल 1 मिलियन व्हीकल कर रहे हैं। तो 2025 मार्च 2026 तक हम 1 मिलियन व्हीकल कर लेंगे, हम उस ट्रैक पे हैं। हमारा बहुत अच्छा डिमांड है क्योंकि लोगों को बहुत पसंद आ रहा है ये चीज़, क्योंकि जब वो उसको कंपेयर कर रहे हैं करंट सीएनजी के साथ या फिर डीजल और उसके साथ फिक्स बैटरी के साथ मुकाबले बहुत सस्ता है, क्योंकि आपका अपफ्रंट कॉस्ट जो है 40-45% कम है, रनिंग कॉस्ट बहुत कम है, और आपका जो ओवरऑल TCO पर किलोमीटर है वो बहुत अच्छा है। तो हमारा जो फ्लीट ऑपरेटर्स के साथ काफ़ी अच्छा वर्क चल रहा है और हमें काफ़ी उम्मीद है कि हम ये 1 मिलियन तो आपके लिए क्योंकि मुझे याद है जब हम लास्ट टाइम ऑटो एक्सपो में आपसे मिले थे तो एक बस में बैटरी स्वैपिंग की बात चल रही थी, वो कितना आसान है आपके लिए उस स्केल को अचीव करना और क्या वो आपको एक्चुअली कब तक होता हुआ दिखाई दे रहा है? सो हमने एक्चुअली एक पूरा काफ़ी बड़ा पायलट किया था अहमदाबाद में, 18 बसेस के साथ 6.5 लाख किलोमीटर चलाए हैं, 99.9% अप टाइम के साथ, एक साल का पूरा पायलट हुआ था। तो ये जो स्वैपेबल बस का जो स्वैपेबल बैटरी कंसेप्ट है बहुत ही उम्दा, बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि आप एक बस में 3.5 टन की एक बैटरी होती है, फिक्स बैटरी, आप उस 3.5 टन की बैटरी को घटा के 600 kg का कर देते हैं। जब आप उसको घटा के 600 kg का कर देते हैं तो आप उसमें बस में 40 लोग और बैठा सकते हैं हिसाब से। तो एक तो आपने कैपेक्स कम कर दिया बस का, 3.5 टन की बैटरी को 600 kg का कर दिया, दूसरा आपने बस की क्षमता बढ़ा दी लोगों को भेजा, तो अगर सरकार खरीदी तो उसको बस भी कम खरीदनी पड़ेगी, उसका कैपेक्स भी कम है पहली बात, और आपको बस की कॉस्ट एक नॉर्मल बस की तरह हो जाएगी, आपको फिक्स बैटरी बस की तरह नहीं देना पड़ेगा, तो आपका कैपेक्स कम है, आपका रनिंग कॉस्ट भी बहुत कम है। ये बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट हुआ था, पायलट हुआ था अहमदाबाद में 18 बस के साथ, बट कोविड के टाइम पे फिर हमें ये बंद करना पड़ा, अब हम वापस उसको रिवाइव कर रहे हैं, और ये बहुत ही इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिजनेस फॉर अस एंड वी आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। यू नो बैटरी टेक बिकॉज दैट रियली इम्पैक्ट्स यू, अभी तक बैटरी के लिए हम काफ़ी कुछ बाहर डिपेंडेंट हैं, आपको लगता है वहाँ पर मेड इन इंडिया बैटरीज जल्द ही आपके लिए काम आने शुरू हो जाएंगे? तो बैटरीज आज भी मेड इन इंडिया है, सेल्स बाहर से आ रहे हैं, राइट? तो बहुत डिफरेंस है, मतलब आप एक सेल एक कॉम्पोनेंट है बैटरी में, BMS भी जाता है, काफ़ी सारी चीज़ें जाती है, तो बैटरीज तो मेड इन इंडिया है, बट सरकार ने बहुत अच्छे कदम उठाए हैं, PLI स्कीम्स जो आ रही हैं, सो काफ़ी सारे अभी 2-3 बड़ी बड़ी कंपनीज ने PLI स्कीम उठाई है, तो आई थिंक अगले 2-3 साल में सेल्स भी इंडिया में बनने लगेंगे, एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये PLI स्कीम सक्सेसफुल हों और उससे बैटरी के दाम भी बहुत कम होने लग जाएंगे। तो ये चल रहा है, आई थिंक सरकार बहुत कदम उठा रही है FAME II सब्सिडीज के साथ और काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं, और उससे हमें बहुत उम्मीद है कि जिस तरह सरकार का फोकस है EV के ऊपर, EV सेक्टर के ऊपर, बहुत ही आई थिंक इट्स वेरी हार्टनिंग। यू नो अभी तक जो आपका स्ट्रक्चर है उस पर ऐसे समझ के कमर्शियल व्हीकल्स के लिए तो ये बहुत वायबल है, ये क्लियरली पता चलता है, लेकिन क्या पर्सनल यूसेज के लिए भी आपको लगता है कि इसको इस्तेमाल किया जा सकता है? आर यू फोकसिंग ऑन दैट टू? सो देखिए पर्सनल मोबिलिटी के लिए, टू व्हीलर्स पर्सनल मोबिलिटी के लिए बाकायदा यूज़ किया जा सकता है, दुनिया में काफ़ी सारी जगह जहाँ ये होता है। जब आप ये देखें कि अगर आपका रन 40-50 किलोमीटर से ज़्यादा का है दिन का, तो ये व्हीकल बहुत उम्दा है आपके लिए, क्योंकि आपको एक तो आपका अपफ्रंट कॉस्ट ही 40-50% कम है, दूसरा आपको बैटरी की टेक्नोलॉजी का टेंशन नहीं है, टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस जो है कि ये बैटरी ख़राब होगा तो क्या होगा वो आपको टेंशन नहीं है। आज आप एक नया आईफोन खरीदते हैं, iPhone 13 से iPhone 14 पहुँचते iPhone 13 ख़राब हो पुराना लगने लगता है, विद इन 1 ईयर दे इज अ टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस, यू बॉट समथिंग फॉर 1.2 लाख रुपीज़ एंड विद इन 1 ईयर यू थिंक दिस इज नॉनसेंस, राइट? iPhone 14 स्टार्ट लुकिंग मच बेटर, दैट्स नॉट द केस विद अ बैटरी स्वैपिंग, बिकॉज इट विल नेवर, बिकॉज यू डोंट ओन इट, यू विल कीप गेटिंग अ बेटर अपग्रेड ऑफ इट as it moves. So now, जो आज हमने launch किया है 2.1, it's an upgrade of the 1.55. So the existing users will get a better upgrade without having to do anything. Yeah. That's amazing, right? So अगर आप personal mobility में जाएंगे तो आज जैसे 1,20,000 का 1,40,000 का स्कूटर खरीदना एक आम आदमी के लिए बहुत बड़ी बात है। अगर वही चीज़ उसको 50-60 हज़ार रुपये में मिल रही है तो मतलब थोड़ा सा आपका रनिंग कॉस्ट ज़्यादा हो सकता है फिक्स बैटरी के मुकाबले, बट डीजल और पेट्रोल के मुकाबले बहुत सस्ता है फिर भी, तो उसके लिए बहुत पर्सनल मोबिलिटी में भी आपको अपफ्रंट कॉस्ट पर काफी कम हो, तो बहुत फायदेमंद है। तो जब ये अपफ्रंट पर्सनल मोबिलिटी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है डेंस नेटवर्क, विच आई थिंक हम अगले 6-7 महीने में दिल्ली जैसी जगह पे काफ़ी अच्छा नेटवर्क हो जाएगा, तो आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा कि मेरे को बैटरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जब आप प्रोमिनेंट प्लेयर्स लाइक IOCL,
टाटा पावर, BSES, बॉश के साथ आप काम कर रहे हैं, आप एक एक ट्रस्ट फैक्टर बना रहे हैं अपने कस्टमर के साथ कि हाँ इनके साथ काम किया है। ओके, एक बार पर्सनल व्हीकल जो फोर व्हीलर स्पेस है उसकी भी बात कर लेते हैं। अब हमने टाटा, आपने बोला टाटा मोटर्स ने हमें दिखा दिया कि इंडिया में EVs की डिमांड है एंड इट इज समथिंग दैट पीपल आर ऑप्टिंग फॉर इवन इन फोर व्हीलर स्पेस। टू व्हीलर्स तो काफ़ी अच्छे से सेटल्ड है, दैट्स अ स्टोरी व्हिच इज व्हिच डज नॉट नीड टू बी रिपीटेड। Now the question is that Tata Motors ke jo itna bada, are you in talks with Tata Motors to offer something like this to them as well? I'm under NDA, so with multiple OEMs, so I won't be able to comment on that. But we are working with top OEMs in the country to develop revolutionize the solutions, right? So you will see in four wheeler space also in sub 1.5 ton category the same swappable concept coming out. So because you know, aap jab ek fixed battery ka bada vehicle bahut costly hota hai, agar aap usme battery nikal denge to commercially bahut successful ho sakta hai. So hum kaafi logon ke sath kaam kar rahe hain. All right, thank you so much. It was a pleasure. Thank you so much. Thank you.